नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई अमीरे अंदा परमा दे रोनी क्यों है कह लगी अज काबे खुल गुदरी देखे अबू जान ने कमली वाले न मारे आओ कमली वाले खाबे च बह के फिर रोंदे ने चाचे दा खून खले आओ जाके अबू जान दे सिर च कमाऊ न मारी ओदा सिर फार के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले न फड़ के सीने न ला ले आओ कह लगे कमली वाले चुप कर जाओ न तेरा बदला ले आया रबी लखदा मेरे नबी चाचे दे बाद छुड़ाऊं अभी ते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के न मार दे गिरामी कदर हजरात मेरे नबी दी निगाह सुनावा गल थोड़ा जा हौला बोलू बाहर बाग नहीं जाए ते हाथ बिल्कुल नहीं झुकना मत कितने कोई शहीद ना हो जाए यकीन करो कई बेली घरों सलाह करके आंदे ने जब मौलवी खेल ना ले मैं नहीं बोलूं चबियां सालां च उन्हां नूं मैं भी नहीं बुला सकया जेड़े बगैर सलाह दे आयो सारे बोलो सुभान अल्लाह बोलना कोई हर बंदे दे बस दर हो गए सियाने लोग कहते ने कि बड़े लोगों दे कद बड़े नहीं होंदे बड़े लोगों के दिल बड़े होंगे बात किरदार की होती है बगरना कद में इंसान से साय भी बड़े होते हैं पीरे बाहू ने फरमा दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे वे जिसके मोहम्मद दिया लहरा होने सोने दा नाम आजे सुभान अल्लाह याव पे निकल दी जिदे जिदे छीने जिसके रसूल दिल हरे उच्चा बोले सुभान अल्लाह सोहनियां अख का जिक्र छेड़ लिया तो मुकदा ही नहीं खमदार बहुआ आ जे अख दे ऊपर बाल ने ना जिन्हें अबरू कहते भवा मौलाना मोहम्मद यार फरीदी दी तारीफ किवें करदे ने फरमांदे ने तो अबरू यार देवे खमदार बहुआ दो अबरू यार देवे खमदार बहुआ ए तिखी तलवार जहर तार बाबा दो अबरू यार देवे खमदार बहुआ अबू बकर उमर उस्मान हैदर नबी दे चारे यार बहुआ नबी दे चारे यार बहुआ
अली शबीर रसूल अनबार बहुआ रसूल अनबार बहुआ तो अबरू यार दे نوجوانوں جسم کپ کپا رہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمایا فضالا پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا اتنا فرما کے میرے نبی نے فرمایا فضالا میں نبیاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل فرش تو پار دی سپا دے وے इतना फरमा के नबी करीम ने अपना युद्दल्ला वाला हाथ फजाला दे सीने ते रखया ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिदे सीने ते रख देवे हाथ मेरा नबी नहीं बोले सुभान अल्लाह हाथ रब अपने हाथ आखे हो भी काफिर जेड़ा बखे आखे थोड़ा जा सांगले तो टुरिए ना लाहौर वाल दे रस्ते च एक बहुत बड़ा आस्थाना आंदा शरतपुर शरीफ उथे एक बहुत बड़ा इंजी बाबा हजरत मियां शेर मोहम्मद शरतपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे ते मुरीद पुत्र नु नाल लेके आया ते कहन लगा मेरे पुत्र दा नाम हजूर ए हाफिज़े कुरान है एदा नाम फतेह मोहम्मद है ते नमाज नहीं पढ़दे नु समझाओ मियां शेर रब्बानी फरमाते ने फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़दा कहन लगा बाबा जी मेरा नमाज च दिल ही नहीं लगदा आपने इस तरह करके शहादत दी उंगली उधर दिल ते रखी ते फरमा जा दिल लगया करेगा जा दिल लगया करेगा फिर इंज दिल लगया इंज दिल लगया असर दी नीयत करके खलौंदा मगरिब आ जांदी है इशा दी नीयत करके खलौंदा फजर आ जांदी है ओदे सीने ते बली ने उंगली रखी है ओदा की याद आवेगा किते सीने ते हाथी मोहम्मद ने रख दिता है खुदाला कहंदे इंज लगया कुफर नहीं करदा जा रिहा ईमान करदा जा रिहा कदा फड़ के कहन लगा कमली वाले मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया खुदा कलमा पढ़ के जड़े मेरे काबे चो निकले आओ कलमा फरमाते ने काबे दे सामने गली आई उस गली दी के औरत दा मकान है खुदा हर वेले नु वेखण वास्ते गली दे चक्कर लगांदा है अज कलमा पढ़ के निकले आओ सामने ते औरत आ रही खुदा निगाह मां झुका के गुजर गया औरत कहन लगी मैं खुदा अगे वेखण नु तरसदा रिहा है अज वेख जाई फरमान लगे बीबी जा जा तेनू की देखा मैं मोहम्मद वेख मोहम्मद वेखाया अल्लाह ने यार नो बना के एडा सोना भेजिया जेड़ा वेखदा है वो भी दीवाना पंद्रह सदियां बाद रात तीन बज गए ये सारे नौजवान बैठे क्यों क्यों जिन्ना वेखिया ना वेखिया वो भी दीवाने जिन्ना नौ ही सुने वो भी दीवाने अल्लाह ने यार नु बना के एडा सोना भेजिया याद जी ओ माई मैं चूंकि माँ की शान भी सुनानी है ना तो मैं जल्दी जल्दी माँ की शान वल भी आवां याद जी ओ माई ओ जड़ी मक्के की मंडी ते गली च बैठी अचानक माई दी निगाह उठी ते सामने मोड़ सोहने जे मुड़िया ते माई दे लबज पता की निकलिया माई कहंदी वे सोहणिया ओ बोले जिहनू लगदा वे फिर आखे वे
अज ते मामा रोटियां ते बाप कर लावे माइयां वडेरियां मेरे को ला के कहंदियां आसी साहब तवीज लिख दियो मेरा पुत्र मैंने बुलांदा है मां की कदर पूछनी अज किसी इज्तिमा च उसको पूछने की मां टुट गई वड्डी ईद गुजरी सारा जमाना नवे कपड़े पाके खुशियां पे मनाता से ते जिन्हां दी मां या बाप टुट के ना ईद पढ़ के घर ते नहीं सकदे ओ ईद दी नमाज पढ़ के कब्रस्तान गए सारा जमाना खुशियां मना लिया से ते कोई मां दी कब्र ते बैठ के पिया होंदा सी ते बाप दी कब्र ते बैठ के पिया होंदा सी इत्तो जावां ते पता लगदा है मैं अक्सर एक गल सुनना कि मेरे को एक बड़े बड़े रे जो बाबा जी बैठे मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सा मेरी दुख की गुजर गई अब शुक्र है पुत्र जवान होए ने कोई यूरोप चला गया कोई अमेरिका चला गया है ते अल्लाह ने कोठियां भी दे दी थी ते कारां भी दे दी थी मैं पूछा बाबा जी खुद दिल की हसरत हो गई कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं अल्लाह दे बड़े ही फजल ने मैं देखा ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो के कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं कदे कदे कोठी वे कोठी लगदा कदे अंदर मां होवे ना कदे अंदर मां होवे घर जाना सारे नजरी आउंदे ने मां नजरी नहीं आउंदी मां टुर जावे ते फिर रात नूं सराहणे च सिर दे के रोंदे ने कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज प्यार करे जिवें मेरे अब्बू करदे सी पर इहनां वर्गा कोई होवे ते प्यार करे कायनात च कोई होंदे ने जिहड़े इंज प्यार करदे मां दी कदर पुछणी कोई मेरे नबी कोलों पुछणी मेरे आका दुनिया ते आए ते 6 साल दी उम्र ते मां टुर गई सारी जिंदगी मेरे नबी ने मां नूं याद करके गुजारी आरवे कड़ी रहमत अल्लाह अलैह फरमा देने पाओ कुम दे सिर नंगा एक दिन
नबी करीम का फोन पिया लगदा है, नबी करीम काबे च आ गया है। सारा दिन काबे वल वेख के रोंदे रहे, शाम का वेला चाचा मीर हमला शिकार करके घर आए, नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई। अमीरे अमदा फरमांदे रोनी क्यों है, कहन लगी अज काबे कोल गुजरी सां, देखे अबू जान ने कमली वाले नु मारिया, कमली वाले काबे च बह के फिर रोंदे ने, चाचे दा फोन खले आओ, चाचे अबू जान दे सिर च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए, कमली वाले नु फड़ के सीने नाल ला लिया। कहन लगे कमली वाले आ चुप कर जाओ, नबी दा बदला ले आया, रबी लखदा मेरे नबी चाचे दे बाद छुड़ाऊं भी ते, फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे बाप जिंदा आंदा लोकी अदियां समझ के न मार दे, अज कदे मां जिंदा आंदी इंज नुकरां च चलियां बह के ना रोंदा, पर अज बाप कोई नहीं, अज मेरी मां भी कोई नहीं, मामा बाज मोहम्मद बचाओ कौन करे रखवाली। मेरे सियालकोट की तारीख देख बहुत बड़े खतीब ने बुलाया, उन्हें का नाम थी हजरत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ सियालकोट की रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े खतीब सारे खतीब आप अपने खिताब आके फरमाते थे, जब मैं जलसे से तकरीर करने जा रहा हूं लोग इश्तहारा तो मेरा नाम लिखते हैं, तो मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं, खतीब पाकिस्तान मुकर्रम शोला पियां आलम नबी फाजिल जलील हजरत अलामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी मुजद्दी चौराहे दामत बरकातुहुल आलिया। फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखते हैं पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैदी, पर जब अद्धी रात वेले जलसे मुका के घर जावां तो मेरे जवान पुत्र सोते होंगे तो मेरी वडेरी मां जाग गई, मां जाग गई। हम तुसा जलसा सुन के घर जाना, घर जाना जिन्हां दी मावां जूदियां ने ना, अल्लाह सारे दे साए सलामत रखे, जाके दरवाजा खड़काओ तो वेखो मां दरवाजा खोले। मैनू मैनू सांगला हिलवाल विच 24 साल गुजर के देख दाबत कर जा, मैंने बड़ा याद है कि मेरे क्लास फैलो मेरे मोहल्ले का नौजवान उसका नाम है मंजूर, मंजूर बल्कि सर मैं रात में किसी जलसे तो तकरीर करके आया तो मंजूर की वालदा ना अपने घर के दरवाजे गली च रात में सर्दियों के 2:30 बजे रात में ठंड में सर्दी गली च बैठी, मैं गुजरता रुक गया तो मैं क्या माँ जी किसी चीज़ की जरूरत है कोई एमरजेंसी है, मैंने दोस्तों गली च रात में 2:30 बजे सर्दी च बैठी, तो मेरे मोहल्ले की बड़ी सादी जी माई मैंने कह लगी हाफिज़ जी मंजूर अजे काम तो क्यों नहीं आया, काम तो नहीं आया, मंजूर किसी फैक्ट्री च काम करते तो उन्हें बहुत टाइम लगाना सी तो उन्होंने घर दसना याद नहीं रहा, वो लेट हो गया सारे सुते ने सुते ने मां गली च बैठी, मां गली च बैठी क्योंकि तब मंजूर नहीं आया। जी मां छिड़का मार लेंगे तेन नहीं पता तेरी मां ने तेरे वास्ते जिंदगी दी कितनी रातां जाग के गुजारियां, बोलना यूसुफ सियालकोट की फरमाते नहीं अजे मैं जाके दरवाजे ते हाथ ही रख रहा ही रख रहा ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आती है मैं जूस पर आ गया, पर घर चो जड़ी अनपढ़ ना ते ओ मां अनपढ़ भी है ते पेंडू भी है ते सादी भी है, उन्हों तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्हों यूसुफा कहना भी नहीं आता,
पर अद्धी रात वेले प्यार नाल कहंदी है वे जूस पा वे आ गए हैं परमाते सन अद्धी रात वेले खबर है मेरे प्यार नाल जूस पा कहंदी कलेजे टुकड़े पा दे सांगला हिल वाले तुहानू चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब मलक साहब चौधरी साहब कहण वाले जमाने च लखां वी आण गए पर याद रखे मिठा मेवा जिंदगी च रब इको बारी देता जो दोबारा नहीं इन्हां दे सामने उच्चा ना किधरे बोल 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 ना इन्हां दे सामने अपने लहजे बुलंद करी ना अपनी गर्दन किधरे बुलंद करी अपनी आवाज अपना लहजा अपने अल्फाज अपनी गर्दन इन्हां दे सामने नीवी रखिया कर मां दी कदर पुछनी होवे ते किसी उस कोल पुछ जिते टर गई मैं ना चीज दे मुताले दे मुताबिक कायनात दे अंदर तिनु जेड़ा मर्तबा ते मुकाम मिले ना ओ मां दी दुआ नाल मिले ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਕਦੀ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਖਾਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਓ ਯਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੀ ਨਾ ਆਖੀ बाबे की खबर चो अज भी आवाज आवेगी भला वे उस मां का ओ मां जिन्हें बचपन जाकर फरीदा पुत्र नमाज पढ़िया कर पढ़िया शक्कर पसंद सी आख्या अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता है अम्मी ने फरमा शक्कर मिलती है अजान होई के आख्या अम्मी नमाज पढ़ी अम्मी ने फरमा तू वुजू कर रहे ते मां ने मसल्ला बिछा के ना ते पूरी शक्कर दी बना के मसल्ले दे नीचे रख दी नमाज पढ़ के सलाम फेरया ते आख्या अम्मा जी शक्कर ते नहीं मिली करते नहीं मिली करते नहीं मिली करते अम्मी ने फरमा मसल्ला उठाओ जद नमाज पढ़िए ते शक्कर मसल्ले दे नीचे रख देंदे ने करोड़ों बेशुमार सलाम होवन जिन्हें शक्कर खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਦ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਵੇ ਫਰੀਦ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਵੁਜ਼ੂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨੇ ਦਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਦਰਮਾਨ ਨੇ ਕਮਰੇ ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਫਰੀਦ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਓ ਆ ਜਾਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ